चोरी की वालू ले जा रहे चार ट्रक पकड़े गए। प्रयागराज जिले के घोरपुर पुलिस ने गश्त के दौरान चार ओवरलोड अवैध बालू लदे ट्रकों को पकड़कर ट्रक को सीज कर दिया। चारों ट्रकों के चालकों के खिलाफ खनिज की धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया। पुलिस की इस कार्रवाई में इलाके के बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। घोरपुर एसओ ब्रजेश सिंह इमराहिया के साथ की गश्त पर थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली की भीटा की ओर से कई ट्रक अवैध बालू तरीके से ओवरलोड बालू लादकर निकलने की फिराक में ही सूचना मिलते हुए एसओ ने एसएसआई अरविंद सिंह को मामले की सूचना दी और भीटा पहाड़ी पर रहने की बात कही। एसआई अपने हमराह आशीष मिश्र एवं राजकुमार राय के साथ भूटा पहाड़ी पर पहुंच गए। इसी बीच चार ओवरलोड ट्रक घोरपुर रेलवे फाटक की ओर निकले जिससे सिपाहियों ने रोक लिया और जांच पड़ताल की तो चारों पर ओवरलोड बालू लदा था। वाहन चालकों से बालू परिवहन करने का प्रपत्र मांगा गया तो नहीं दिखा पाए। चारों ट्रकों को घोरपुर ले आकर सीज कर दिया गया और चारों के चालक ने अपना नाम क्रमशः मोहित प्रसाद कहरा डिहवा थाना उत्तरायण जनपद प्रयागराज तथा दूसरे ने अपना नाम नीरज संतलाल निवासी कटिहारी चकिया थाना सराहनी मोहित प्रयागराज व तीसरे चालक अपना नाम सुशील कुमार सरोज पुत्र रामरतन निवासी खुशहालगढ़ थाना रानीगंज जनपद प्रताप पर बताया। इसी तरह चौथे चालक ने अपना नाम मंगल कुमार पुत्र शंभुनाथ निवासी ग्राम सांसल थाना सरायनी नायक जनपद प्रयागराज बताया है। पुलिस ने पकड़े गए चारों ट्रकों को सीज करते हुए चारों चालकों के खिलाफ अवैध तरीके से बालू की चोरी करने सहित खनिज की कई संगीन धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। प्रयागराज जिले से बोलेरो चीफ विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट।